गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव कम्पलीटेड अवर वोकेबली सेक्शन नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द ग्रामर पार्ट गिवन ऑन पेज नंबर फोर्टी वन सो हेयर इट इज रिटन पजिसिव प्रोनाउंस तो आज हम पढ़ने वाले हैं पॉजिशिव प्रोनाउंस के बारे में प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच आर यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन्स तो सबसे पहले आपको पता है कि प्रोनाउन्स क्या होते हैं जो नाउन की प्लेस पर होते हैं ये हमने ग्रामर में भी पढ़ा है वॉट आर प्रोनाउन्स प्रोनाउंस आर द वर्ड्स विच आर यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन जैसे कि आई एम गिविंग यू वन एग्जाम्पल जैसे आपको याद आ जाए इफ़ दिस इज़ अ बॉय ओके नाउ हेयर आई एम राइटिंग द नेम ऑफ दिस बॉय इज़ राम

राम क्या है नाउन है लेकिन अब मैं राम की प्लेस पे प्रोनाउन कैसे पुट अप करूंगी राम क्या है बॉय है बॉय के लिए हम क्या यूज करते हैं ही यूज़ करते हैं तो यहाँ पे हम राम की जगह प्रोनाउन क्या लिखेंगे ही ही इज प्लेइंग फुटबॉल ओके सो यहाँ पे हमने जो राम था वो एक नाउन है बिकॉज इट इज़ द नेम ऑफ अ बॉय और उसकी जगह हमने क्या यूज़ कर लिया प्रोनाउन यूज़ कर लिया और हमने क्या प्रोनाउन यूज़ किया यहाँ पर ही प्रोनाउन यूज़ किया अगर यहाँ पे गर्ल का नाम होता तो यहाँ पे गर्ल के नाम की जगह हम क्या यूज़ करते शी यूज़ करते है ना सो so जब हम नाउन की प्लेस पे प्रोनाउन जो वर्ड लिखते हैं है ना जो नाउन की प्लेस पर हम जो वर्ड लिखते हैं हम उसको ही बोलते हैं प्रोनाउन सो यू हैव टू रिमेंबर फर्स्ट वॉट आर प्रोनाउंस प्रोनाउन्स आर द वर्ड्स विच आर यूज इन प्लेस ऑफ नाउन्स वैन अ प्रोनाउन इज यूज टू शो दैट समथिंग बिलोंग्स टू समबडडी जब प्रोनाउन इसी लिए यूज़ किया जाता है ये बताने के लिए कि कोई जो चीज़ है वो इसी पर्सन की है इस पर्सन को ये चीज़ बिलोंग करती है लाइक कि ये बॉय है इसका ये फ़ुटबॉल है तो ये इसका फ़ुटबॉल है ना इस बॉय का फुटबॉल है वो तो जब हम ये बताते हैं द बॉल बिलोंग्स टू रोहित द बॉल इज़ हिज़ ये बॉल ही किसका है ये बॉल रोहित का है सो so, जब हम बताते हैं कि ये चीज़ है जो ये बॉल है ये किसको बिलोंग करता है हम उसको बोलते हैं पजैसिव प्रोनाउन हेयर द पजैसिव प्रोनाउन हिज इज़ यूज टू शो दैट द बॉल बिलोंग्स टू रोहित तो यहाँ पे पजेसिव प्रोनाउन कौन सा यूज़ किया गया है यहाँ पे प्रजेसिव प्रोनाउन जो है वो है हिज यहाँ पे हिज़ यूज़ किया है क्योंकि हम यहाँ पे अभी बॉय के बारे में बात कर रहे हैं ही जब हम बॉय के बारे में बात करते हैं तो ही हिम और हिज़ का यूज़ करते हैं और जब हम गर्ल के बारे में बात करते हैं तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं हर हिज की जगह हम यूज़ करते हैं हर सो so, यहाँ पे हमें समझ में आ गया वॉ यहाँ पे वॉट इज द पोजेसिव प्रोनाउन पोजेसिव प्रोनाउन यहाँ पे हिज़ है बिकॉज ये जो बॉल है वो किसकी है इसकी है द बॉल इज हिज़ बॉल किसकी है रोहित की है वो द बॉल इज़ हिज हे द पोजेसिव प्रोनाउन हिज इज़ यूज टू शो दैट द बॉल बिलोंग्स टू रोहित तो यहाँ पे जो पोजेसिव प्रोनाउन हिज यूज़ किया है वो ये बताने के लिए यूज़ किया गया है कि ये जो बॉल है वो किसकी है रोहित की है वो जो जो चीज़ है वो उसको बता रहे हैं कि ये चीज़ किसको बिलोंग करती है नाउ कम टू पेज नंबर फोर्टी टू आई लिव इन दिस हाउस दिस हाउस इज माइन मैं इस घर में रहता हूँ ये घर मेरा है तो ये हाउस भी किसका है उसका है तो यहाँ पे पता चल रहा है कि वो हाउस किसको बिलोंग करता है तो माइन क्या है माइन इज ऑल्सो अजेसिव प्रोनाउन प्लीज टेक दिस दिस इज योर्स ये ले लो क्योंकि ये तुम्हारा है योर्स इज ऑल्सो हेयर अ पजेसिव प्रोनाउन ऑल पजेसिव प्रोनाउन्स आर सारे पजेसिव प्रोनाउन्ट्स माइंड अवर योर्स एंड देयर्स तो यहाँ पे हमें सारे के सारे पजेसिव प्रोनाउन इन्होंने बता दिए हिज हर्स एट्स माइन, अवर्स योर्स एंड देरसो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दिस आपको ये याद रखना है कि सारे पजेसिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं क्योंकि हम इनको सेंटेंसेस में भी यूज़ करते हैं और ये बताते हैं कि कौन सी चीज़ किसको बिलोंग कर रही है सो टुडे वी हैव डन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर नाउ इन द नेक्स्ट वीडियो वी वी आर गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइजिज ऑफ ग्रामर सेक्शन दैट इज अबाउट पजेसिव प्रोनाउन